हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू निकनारा व्लॉग। और आज संडे है तो अभी तक मैं उठी नहीं हूँ। अभी तक मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, लेटने का ही मन कर रहा। संडे को रेस्ट मिल रहा है तो अभी हम पापा से पंगे ले रहे हैं, इनको गंजा करने के लिए बोल रही हूँ तो ये चिढ़ रहे हैं। अभी देखना कैसे मैं इनको दिखाती हूँ। मैं गंजा कर दूँ? मुझे गंजा नहीं होना। हो जाओ ना। नहीं। क्यों, क्या होगा गंजा होने से? दो दफा कर दी तो ना ये तो एक बार और हो जाओ ना फिर। नहीं, अब नहीं कराऊंगा मैं। क्यों, ऐसे अच्छे लग रहे हैं बाल? वो तो गंजा कर दूं ना। चलो चलो कर दूं गंजा। कहीं भी जाऊं मैं ये गंजा बंद कर। अरे देवा, ये गड़बड़ कर रहे हैं। बंद कर दूं? लेके चम्मी कल तो बाबू जाएगा मेरे। कल जाओगे ना बाबू? अबे आ जाना था ना मेरे को। कल मंडे है, कल डॉक्टर बैठेंगे, ओपीडी लगेगी बाबू की, सुबह न्यूरो सर्जन को दिखाएंगे, दोपहर को 2 बजे गैस्ट्रोलॉजी को दिखाएंगे। वो जो बोलती हैं कि ब्लड आता है, खून आता है ना, नाक से खून आ रहा है ना, वो दिखाएंगे अपने बाबू का कि बाबू ठीक है कि नहीं है। दुकान है ना, आज मेट्रो से चल आज जाएंगे। बताना, डॉक्टर ने मेरे को फोन कर दिया था, बोला था कि बेटा इनको संडे को लेकर मत आना, कल आना, मंडे को आना। अब सुबह जल्दी उठना बेटा, सुबह एकदम जल्दी उठना। घर में कुछ फिर जल्दी से मंजन ब्रश कराऊंगी, फिर तुम्हारे को तैयार करूंगी, जूते चप्पल सब पहनाऊंगी, निक्कर विक्कर चेंज करनी है और फिर फटाफट मेट्रो स्टेशन चलना है और हाथ पकड़ के चलना है, इधर को भागना नहीं है बिल्कुल भी। हाथ नहीं पकड़ते ये बाहर किसी का भी? हाथ नहीं पकड़ते, हाथ पकड़ के जाना मम्मी का, लेके चलूंगी मेट्रो से आना। हाँ मम्मी का हाथ पकड़ के जाना, नहीं तो गुम गुम हो जाओगे। हाथ नहीं पकड़ते, भागते हैं रोड पे ऐसे। बेटा मैं मेट्रो से लेके चलूंगी कल, वहां से रिक्शे से उतरेंगे, रिक्शे से चले जाएंगे और रिक्शे से ही आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि आज नहीं होगा, मतलब आज नहीं होगा, कल होगा ना बेटा, सोमवार को होता है ना, मंडे को। पूछ रहा ना, फोन कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया बेटा, फोन पे बात कर लो। अरे कर ली बेटा मैंने बात फोन पे कि आज आना है सर, तो उन्होंने बोला आज नहीं आना, बिट्टू को कल सुबह ले आना। तुम्हारे जो डॉक्टर है सरदार जी, वो ना सरदार जी जो डॉक्टर है तुम्हारे, उन्होंने बोला कि इनको सुबह लाना। वो बोल उसको बात करके ले रहा। डॉक्टर है बात करके देखो। भाई हमने चाचा को फोन मिला दिया है। वो देखो डॉक्टर तो है। हाँ मैं हूँ। उसका नाम माफ करूँगा। डॉक्टर को फोन करना है क्या? हाँ। एक बार डॉक्टर को फोन कर दो, उन लोग नंबर मिलाओ। 9958 डॉक्टर से बात करा दो ना। 9958 कर लो। आपके डॉक्टर साहब उनसे बात कर लो जरा। हैं बेटा, किसको फोन मिलाया था मम्मी ने? सर हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ। किसको फोन मिलाया था बेटा? राकेश को। राकेश तो तुम ही हो। फोन फोन तो लगाया ही था। चलो दूसरे डॉक्टर को लगा दो मम्मी। अब कौन है? कोई और डॉक्टर होगा फोन में। सलावा देखो इनका बहन। चलो गंजा कर दूं फिर। गंजा करने को बोल रही है फिर। कर दूं गंजा? गंजी माँ है वो देखो। नाश्ता कर लिया बेटा तुमने? हाँ। क्या खाया बेटा? चावल खा ले। चावल कहाँ खाया? दूधा खाया? दूधा दूधा नहीं खाया अभी? अबे मैं फोन थोड़ी करवा रहा हूँ, मैं जाऊंगा तो बताऊंगा। कहाँ जाओगे? चलो गंजा कर दूं मैं। जा रहा हूँ फिर इनके गंजा करने। चलो गंजा कर दूं। क्यों गंजा?
नौटंकी कितनी करते हैं। चलो गंजा कर दूं। चल। बाल क्यों नहीं कटवाने भाई? थोड़े से कटवाने ना। तो थोड़े से ही तो काटूंगे। चलो नहीं, वो कह रहे मुझे मिल सकता हूं। अच्छा मम्मी बाहर से करवाओगे? हाँ, वो वीडियो से वैसे हैं। चलो साइडों से कर दूं कटिंग। क्यों गंजा नहीं करूंगे? चलो चलो ऊपर चलो। चुप हो जा, चल। खापी के लेट हो यहाँ पे। चलो ठीक है, लेट जाऊं? हाँ। नहाने ना जाऊं? नहाऊं नहीं? हाँ नहा ले। ठीक है चलो बॉस, ओके बाय, अलविदा, मिलते हैं थोड़ी देर में बॉस। देखा मैंने पापा से पंगे ले लिए थोड़े से सुबह और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। टैंकर अभी तक आया नहीं है, संडे को आपको पता है टैंकर आता है और टैंकर अभी तक आया नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ पहले मैं नहाऊँ या टैंकर का वेट करूँ, क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टैंकर का वेट करूँगी तो पता नहीं कितने बजे आएगा, अभी तक फ़ोन तो आया नहीं टैंकर का। और अगर मैं जल्दी नहा लूँगी टैंकर आ जाएगा फिर मुझे दोबारा भीगना पड़ेगा, तो बड़ी समस्या। संडे का बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। और अभी मम्मी को मार्केट भी लेके जाना है, आपको पता ही है मैं हर संडे कुछ ना कुछ मेरा काम रहता है, तो अभी मार्केट लेके जाना है। अभी मेरी को नींद आ रही है, पता है मन कर रहा है और सो जाऊँ, मैं थोड़ी देर वही सो जाती हूँ, फिर मैं उठूँगी फिर मैं नहाने जाऊँगी, है ना। तो अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी जल्दी से मैं अपनी वीडियो कम्प्लीट कर लूँगी। काम गाइस अभी बाहर आके बैठे हैं, इनको थोड़ा सा बाहर बिठाया है। आप ठीक हो? तो मामी का, पापा की मम्मी की मामी का फोन आया तो पापा बात कर रहे थे। जा रही थी नहाने के लिए, सोने के लिए, पर अब घर में छोड़ कभी कुछ कर रहे हैं, पापा का भी कुछ कर रहे हैं तो सो नहीं पाऊंगा, तो फिर मैं से उठ के बैठ गई, इनके साथ ही बैठी हूँ, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर निकल जाओगे? देखो लड़ रहे हैं मेरे से बाहर निकलने के नाम पे। क्या बोलूंगा मैं? बाहर निकल जाओगे ना? हाँ चलो गंजा कर दूं, तो आज इनसे ही पंगे करूंगी पूरे दिन। बस ये पीछे लगी हुई है, ये ले जाओ वो ले खाओ। गंजा कर दूंगे अभी, चलो कटिंग करूं तुम्हारी अच्छी सी। नहीं रहने दो, चिड़िया को करने दो। गाइस मैं ना इनकी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये कह रहे हैं मैंने इनकी सारी जिंदगी खराब कर दी। क्या सारी थोड़ी ना कर रही है, अभी थोड़ी बहुत तो बची है वो भी खराब करनी है। अरे रुक जाओ, बाहर मत जाओ, बार्गेनिंग कर रही है तो मैं वीडियो बना लूँ ना। लगा लिया, देने का तैयार हो गया भैया। महिला मंडली जीत गई। अरे सारे आ रहे मोहल्ले वाले मेरे, मेरे ब्लॉग में मेरे मोहल्ले वाले भी आने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब ये बैठेगा, इसको मेरे घर के आगे मेरी स्कूटी के साथ ही मजा आता है बैठने में। देखो तभी सही बैठता है, सही बैठता है बिल्कुल। नहा धो के अभी ऊपर आई हूँ बाल सुखाने के लिए धूप में, तो थोड़े से बाल सुखा लेते हैं, फिर अभी नजफगढ़ भी जाना है सामान लेने के लिए। और आज देखो उस दिन मैंने आपको फूल दिखाए थे ना कितने थोड़े से हो रहे थे, आज देखो सारे खिल गए और तोड़े भी है इसमें से मम्मी ने। देखो देख रहे हो सारे लग गए उस दिन, छोटे छोटे फूल थे ना आज सारे खिल गए। मम्मी ने इनको पाल पोस के बड़ा करा है। कितने सालों से पाल रहे हैं मम्मी हम इनको? बहुत टाइम हो गया इनको, जब ये नहीं आते तो मैं रोती हूँ। अभी देखो हमारी छत से कितने जहाज जाते हैं। गाइस अभी नजफगढ़ जाना है सामान लेने के लिए, तो अभी हम नजफगढ़ जा रहे हैं, आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। मम्मी तैयार हो गए? हाँ हो गए। हाय गाइस, आप लोगों की मेहरबानी, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 1000 सब्सक्राइबर करने पर। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत, मेरी बेटी को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हैं आप, वरना मैं हमेशा टेंशन में दुखी में ही रहती। तो मम्मी भी बहुत खुश हो गई 1000 सब्सक्राइबर का सुनने के बाद, तो अभी हम चलते हैं आज नजफगढ़, तो कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर आएंगे। मम्मी खिलाओगे अच्छी सी चीज़? हाँ गोलगप्पे, गोलगप्पे अच्छी सी नहीं होती, कुछ मीठा खाना है। अभी आए हैं दूध लेने के लिए, ये हमारी डेयरी है, आपने पहले भी देखा होगा, तो यहाँ से हम दूध लेते हैं भैंस का। तो आज मैं घर पर हूँ तो मैं मम्मी को लेकर आई हूँ, घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो, वरना रोज़ सुबह मैं टांग के जाती हूँ डोलू, शाम को लेके जाती हूँ।
मिल गया, हम एक लोग यहीं टांग रहे हैं। तो गाइस जा रहे हैं नजफगढ़, अगर कुछ अच्छा होगा तो वीडियो बनाऊंगे, नहीं तो नजफगढ़ की वीडियो देख देख के आप लोग बोर हो जाओगे। चलते हैं क्योंकि यहाँ स्टोर पे आज भीड़ भी बहुत कम मिली है। ये हमारा 750 का है। तो गाइस मम्मी अभी सामान लेके आ रही हैं और थोड़ा बहुत सामान मैंने ला कर डिग्गी में रख दिया है। ये मम्मी तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, देखते हैं कुछ और लेना है कि नहीं। मेरी मम्मी नमकीन बिस्किट की शॉप पर है, तो मम्मी यहाँ से लेती हैं, पुरानी शॉप है काफ़ी अंकल की, तो यहाँ से सामान ले रही हैं। टॉप से मैच हो रहा है, ये वाला थोड़ा बेटर है भाई। लाइट चली गई, पता है क्या हो रहा है, अभी हमने ना सामान ले लिया और बिलिंग भी करा ली और एंड टाइम पे यहाँ पे लाइट जा रही है, बार बार जा रही है, बार बार जा रही है, बहुत देर हो गई है हमें यहाँ पे बैठे बैठे। अगर मैं बाहर आके बैठी हूँ, मैंने ऊपर से सामान ले लिया अपना और मैं भी बैठी हूँ, मम्मी अंदर है, मम्मी कह रही मैं लेके ही जाऊँगी क्योंकि इतनी छुके कपड़े हैं, तो हमें टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा हमारे, उधर तो मम्मी छोड़ के चली जाती है। का मौसम क्या होगा, वैसे कभी पहली बार हुआ ऐसा, पहले तो कभी इतनी बार हमने खाया देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा इतना टाइम, फर्स्ट टाइम देखा। लाइट नेट ही सर्वर नहीं चल रहा, नेट आ ही जा रही है। कभी यार मेरा संडे, मुझे लगा था मैं जल्दी घर पहुंच के रेस्ट करूंगी पर नहीं कर पाई हूँ रेस्ट, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, हमें गुस्सा आ रहा है। अभी गाड़ी रुकी है, मम्मी ले रही हैं पनीर, वो देखो मम्मी खड़ी हैं पनीर की शॉप पे, लेके अब हम घर जाएंगे सीधा, घर पे मिलते हैं आपसे। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मम्मी ने गेट खोल दिया है, सामान अंदर लेके जा रहे हैं। छोड़, घर पहुंच चुके हैं, थक गए पसीने पसीने हो रहे, हालत देख रहे हो कैसी हो रही है मेरी, इतनी देर हेलमेट पहने पहने बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, और अभी सामान निकालना है स्कूटी पे से सारा, तो थोड़ा सामान वामान उतार लो, बाल देखना ज़रा, तो सामान सुनू। गाइस देखो कैसे सो रहे हैं बच्चों की जगह, सो रहे हैं आराम से ये अपने बिस्तर में। गाइस सामान लाके मैंने इसे फैला दिया है, अब इसको मुझे ठीक से लगाना है। ये पता क्या है, ये दिशु के कपड़े, चाय पत्ती लेकर आए हैं बाग बकरी की, तो यूज़ करके देखते हैं कैसी है। राशन पानी दिला दिया है और शॉपिंग भी कर ली है, दीशु के कपड़े भी ले लिए, मैंने अपना भी लिया है लेकिन मैं कल पहनूंगी, तब आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और अभी सारे काम निपट चुके हैं, तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट सबको, और सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जो भी आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम ठीक कर लेंगे। बाकी जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।